नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSCA एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। टॉपिक का नाम है निपात। टॉपिक का नाम क्या है? निपात। अरे बोलो, टॉपिक का नाम निपात। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक का नाम क्या है सर? निपात। निपात, ठीक है ना? निपत्ता नहीं, निपात। चलिए, निपात एक हिंदी का टॉपिक है और मैक्सिमम लोग इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आना ही निश्चित है। अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो कर नहीं पाएंगे, इस बात को दिमाग लगाकर सुनिएगा। ठीक है, समझिए टॉपिक का नाम क्या है? निपात। हेडिंग लगाइएगा निपात। ठीक है, चलिए देखिए निपात क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं यहीं पर करते हैं। देखिए निपात का अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुनिए, निपात का अर्थ क्या होता है? क्लियर? निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। क्या करना? बल प्रदान करना। याद रखिएगा, निपात का अर्थ होता है बल प्रदान करना। एक एक बातें दिमाग लगाकर सुनिएगा। निपात का अर्थ क्या होता है सर? बल प्रदान करना। यह बल कहाँ प्रदान करता है? सर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के वाक्यों में बल प्रदान करता है। कहाँ प्रदान करता है? हिंदी के वाक्यों में बल प्रदान करता है। आप दिमाग से भी सुनते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। निपात का अर्थ क्या है सर? बल प्रदान करना। बल प्रदान करना, क्लियर? निपात कार्य क्या करता है, इसको सुनिए। निपात कार्य करता है, ध्यान से सुनिए, निपात का काम क्या है कि जो भी वाक्य हैं वाक्य को अतिरिक्त भाव प्रदान करता है। वाक्य को अतिरिक्त भाव प्रदान करता है, क्लियर है ना? अतिरिक्त भाव प्रदान करता है, अतिरिक्त भाव प्रदान करता है। और कैसा प्रदान करता है? बल के साथ भाव प्रदान करता है। कैसा? बल के साथ भाव प्रदान करता है, क्लियर? देखिए निपात का अर्थ क्या होता है सर? बल प्रदान करना। क्या प्रदान करना? बल प्रदान करना। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी वाक्य है हिंदी के वाक्य को अतिरिक्त भाव प्रदान करता है। क्या करता है? अतिरिक्त भाव प्रदान करता है बल के साथ। कैसे? बल के साथ। एक बात याद रखिएगा, यह लाइन ही आपसे पूछा जाता है कि अतिरिक्त भाव प्रदान करना या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना कौन करता है? तो सर निपात। कौन करता है? निपात। निपात का काम क्या होता है? तो अतिरिक्त वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करना। भाव, या इसे बोलेंगे भावार्थ प्रदान करना। भावार्थ प्रदान करना निपात का काम होता है। निपात का काम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा, सबसे आसान एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है मैं जाऊंगा। ध्यान से सुनिए, एकदम आसानी भाषा में समझिएगा। मैं जाऊंगा, क्या है? मैं जाऊंगा। देखिए अगर इसी को, यह हमारा क्या है? वाक्य है। ठीक है सर, वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा वाक्य है। इसी को हम निपात मिलाकर लिखें तो मैं ऐसे लिखूंगा, मैं जाऊंगा ही, जाऊंगा ही। तो जो यह ही है, यह जो ही है देख रहे हैं, अतिरिक्त इस पर बल प्रदान कर रहा है, इस पर दबाव डाल रहा है, और दबाव डालने की वजह से, बल प्रदान करने की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? निपात। यह ही क्या हो जाएगा? निपात। क्लियर है? यानी कि वाक्य पर विशेष बल प्रदान करना किसका काम होता है? निपात का होता है। जैसे मैंने लिखा मैं जाऊंगा, ठीक है सर, वाक्य है सिंपल सा, मैं जाऊंगा ही, बल प्रदान किए, दबाव प्रदान किए, और दबाव प्रदान करना किसका काम होता है? निपात का। किसका काम होता है? निपात का। क्लियर है? और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, और एग्जाम्पल यहां लिख दें, ठीक है ना? उसने, ध्यान से सुनिए, उसने मेरी ओर देखा नहीं। ध्यान से देखिए, उसने मेरी ओर देखा नहीं, ठीक है? चलो अब इसी को निपात मिलाकर लिखेंगे तो लिखेंगे, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। अब देखिए, समझिए, उसने मेरी ओर देखा नहीं, सिंपल वाक्य है। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, तक लगाए तो दबाव डाले, और जब दबाव डालते हैं तो वहां पर क्या प्रयोग होता है? निपात। क्लियर है? इसी तरीके से उसने मेरी ओर देखा भी नहीं,
उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। तो भी क्या है, एक प्रकार का निपात है। निपात क्या करता है, किसी मतलब निपात किसी वाक्य को विशेष बल प्रदान करता है और इसका एक अतिरिक्त भाव बना देता है, एक अतिरिक्त भाव बना देता है। मैं जाऊंगा, ठीक है सर, मैं जाऊंगा ही, एक स्पेशल भाव बना दे रहा है, स्पेशल भाव कि हई नहीं करेगा तो मर जाएगा। बोलो हाँ कि ना। आगे देखिए, उसने मेरी ओर देखा नहीं, ठीक है, वाक्य है, उसने मेरी ओर देखा तक नहीं, तकले तकना, तो क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। समझ गए, निपात का सिंपल सा मतलब किसी वाक्य में विशेष बल प्रदान करना किसका काम होता है, निपात का, किसका काम होता है, निपात का। क्लियर। चलिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। शानदार उदाहरण देखिए आपके लिए, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, सिंपल वाक्य है, मैं उसके बिना मर जाऊंगा, कोने के बिना, अरे भैया ऑक्सीजन दे, मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं उसके बिना मर ही जाऊंगा, तो देख रहे हैं यहां पर बल प्रदान कर रहे हैं, और जब बल प्रदान करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, निपात, उसे हम क्या कहते हैं, निपात। तो जब भी किसी चीज पर बल प्रदान करें तो वहां पर क्या क्या प्रयोग होता है, निपात। सिंपल देखे, मैं मर जाऊंगा, बात खत्म, मैं मर ही जाऊंगा तो क्या है, निपात है। मैं घर जाऊंगा, मैं जरूर घर जाऊंगा तो जरूर क्या है, निपात है। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना ही खाऊंगा, निपात है। बोलो हाँ कि ना। जब भी किसी पर विशेष दबाव देंगे वह क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। जैसे कल स्कूल बंद रहेंगे, कल सभी स्कूल बंद रहेंगे। अब मैं ऐसे लिख दूं, कल सभी स्कूल सिनेमा तक सब बंद रहेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, निपात हो जाएगा। तो निपात का काम थोड़ा थोड़ा आपने समझा कि अतिरिक्त बल प्रदान करना किसका काम होता है, निपात का। अतिरिक्त बल प्रदान करना किसका काम होता है, निपात का। और अतिरिक्त बल प्रदान करता है तो अतिरिक्त भाव भी बन जाएगा। जैसे अतिरिक्त भाव, जैसे मैं ठीक है, उसके लिए, उसके बिना मर जाऊंगा। अब इसी को खतरनाक लिख दीजिए, मैं उसके बिना मर ही जाऊंगा, तो यो ही है, यह अतिरिक्त भाव प्रदान कर रहा है, अतिरिक्त भाव प्रदान कर रहा है हमारे ख्याल से। तो थोड़ी बातें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, जरा बोर्ड पर देखिए जरा, ठीक है। निपात का काम थोड़ा थोड़ा नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, आपका काम बनते जाएगा। देखिए, निपात का अर्थ क्या होता है सर, बल प्रदान करता है। क्या करता है, बल प्रदान करता है, वाक्य में अतिरिक्त भाव प्रदान करता है, या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है, अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करता है बल के साथ। कैसे, बल के साथ। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बातें, निपात याद रखिएगा, निपात वाक्य में, ध्यान से सुनिए, वाक्य में होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता, इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। सबसे इम्पोर्टेंट है, अंग नहीं माना जाता। किसको बाबू, निपात को। वाक्यवा में रहेगा लेकिन वाक्य का अंग नहीं माना जाता। क्लियर है, निपात वाक्य में होते हुए भी इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। वाक्य में रहेगा परंतु इसे वाक्य का अंग नहीं मानेंगे। जैसे जरा ध्यान से सुनिए, हमने ऐसे लिखा, ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल जो आपके पेपर में पूछा है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कल शिक्षक आएंगे, आपके पेपर में आया है, कल शिक्षक आएंगे, खड़ी पाई, सिंपल वाक्य है, कहीं निपात का प्रयोग नहीं है। अब हम ऐसे लिख दें, कल शिक्षक भी आएंगे। तो बाबू देखिए, इस पर कल शिक्षक आएंगे सिंपल वाक्य है, हमने दबाव दिया कल शिक्षक भी आएंगे, तो क्या हो गया, निपात हो गया। यहाँ पर निपात क्या है, भी। निपात क्या है बाबू, भी। निपात क्या है, भी। क्लियर है ना, निपात भी है। यह भी तो वाक्य में प्रयोग है परंतु वाक्य का अंग नहीं मानते हैं। तो प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो वाक्य में प्रयोग होता है, वाक्य में हंसता खेलता घूमता रहता है, वाक्य में प्रयोग होता है परंतु वाक्य का अंग नहीं माना जाता, ओकर नाम है निपात। उसका नाम क्या है, निपात। यानी कि वाक्य में प्रयोग होता है परंतु वाक्य का अंग नहीं माना जाता।
वाक्य का अंग नहीं माना जाता। क्लियर है ना? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ निपात लिखूं, जैसे निपात ही हो गया, भी हो गया, तक हो गया, ठीक है ना, तक हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है ना, शायद हो गया, तो यह सब क्या है, यह सब निपात है, यह सब के सब क्या है, निपात। तक हो गया, भी हो गया, सभी हो गया, सब हो गया, यह सब के सब क्या है, निपात। यहाँ पर क्या है, निपात का अर्थ बल प्रदान करना है, ठीक है ना। यह क्या करता है, यह वाक्य को एक विशेष भाव, एक अतिरिक्त भाव, जब सिंपल भाव को खतरनाक बनाता है, बलपूर्वक बना देता है। निपात वाक्य में होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं माना जाता, वाक्य का अंग नहीं माना जाता। जैसे सिंपल वाक्य हमने लिखा शिक्षक आएंगे, अब यहाँ पर लिखा कल शिक्षक भी आएंगे, तो भी निपात है, परंतु इसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। इतनी बातें तो शायद आपको क्लियर हो गई, अगर क्लियर हो तो यस सर बोलिए, फिर आगे बढ़े, ठीक है ना। चले आगे देखिए, ठीक है ना, आगे ठीक है, निपात क्लियर, इतनी बातें। पहला पॉइंट बताइए, क्लियर, पहला क्लियर, दूसरा क्लियर, तीसरा क्लियर, चौथा क्या है, निपात के भेद, याद रखिएगा, निपात के भेद या निपात के प्रकार। नौ से निपात, अरे बोलो ऐसे बोलेंगे तभी काम चलेगा, नौ से निपात और नौ से नौ। तो निपात के कुल कितने भेद हैं, नौ, याद रखिएगा, निपात के कुल कितने भेद हैं, नौ। कई बार पेपर में आया है निपात, नौ से निपात और नौ से नौ। क्लियर, क्लियर है ना। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा बढ़िया से अच्छे से समझिएगा, हट गए हैं, पूरा बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर है ना, ठीक, चलिए क्लियर, इसे रफ करें, ठीक, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बाबू। आगे देखिए, हेडिंग लगाइए निपात के भेद या निपात के प्रकार, टोटल कितने प्रकार हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। निपात के भेद या प्रकार लिखिए, हेडिंग निपात के भेद या प्रकार, क्या हेडिंग है, निपात के भेद या प्रकार। बताइए, नौ से निपात और नौ से नौ, कितने प्रकार के, नौ, लिख लीजिए, कितने प्रकार के, नौ, क्लियर। चलिए दोस्त, यहाँ पर निपात की बात करते हैं। देखिए, बहुत छोटे छोटे वीडियो में आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको मान कर चलिए एग्जाम में एक या दो नंबर देकर जाएगा, निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं, आपको एक या दो नंबर देकर जाएगा। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो नौ प्रकार के, निपात कितने प्रकार के, नौ प्रकार के, कौन कौन से निपात होते हैं सबके बारे में आपने जानकारी अभी मैं दे दूंगा। यहाँ पर देखिए, निपात कुल कितने प्रकार के, निपात के कितने भेद होते हैं सर, नौ, कितने होते हैं, नौ, याद रखिएगा, कितने होते हैं, नौ, निपात के कुल कितने भेद, नौ, याद रखिएगा, आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें आठ निपात दिया गया है, नौ कर लीजिएगा। निपात के कुल कितने भेद होते हैं सर, नौ, नौ से निपात और नौ से नौ, क्लियर। कौन कौन से निपात होते हैं, यहाँ पर देखिए, नौ के नौ निपात का नाम लिखा गया है और इसके पहचान यहाँ पर लिखे गए। देखिए, पहला होता है बलदायक निपात, क्या होता है, बलदायक निपात, मतलब बल देने के लिए जिस निपात का प्रयोग करते हैं वहां पर बलदायक निपात होता है। दूसरा होता है स्वीकृति बोधक निपात, तीसरा होता है नकार बोधक, मतलब नकारात्मक निपात, चौथा होता है निषेध बोधक निपात, पांचवा होता है प्रश्नवाचक निपात, छठवां होता है विस्म्यादि बोधक निपात, और छठवां होता है तुलना बोधक निपात, आठवां होता है अवधारणा बोधक निपात, और नौवां होता है आदर बोधक निपात। आदर बोधक निपात, क्लियर है ना, आदर बोधक निपात। जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करें बलदायक निपात। बलदायक निपात में ही आएगा, चाहे भी आएगा, चाहे तो आएगा, चाहे तक आएगा, चाहे केवल आएगा, चाहे सिर्फ आएगा, चाहे मात्र आएगा, चाहे हद आएगा, क्लियर है ना। जैसे 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 रोहित ने हद कर दी, रोहित ने क्या कर दी, हद कर दी। हद मतलब क्या है, किसी चीज पर बड़ा बल दे रहे हैं, एकदम हद कह दिए हो यार, हद कर दिए मतलब पगला दिए हो, तो हद कर दी मतलब किस प्रकार का निपात है, तुरंत कहेंगे इसमें कौन सा निपात है सर, बलदायक निपात है। कौन सा निपात है, बलदायक निपात है, बोलो जी कौन सा निपात है, बलदायक निपात है। आगे देखिए, गांधी जी को बच्चे बच्चे तक जानते हैं, बच्चे बच्चे तक, तक मतलब हम दबाव दे रहे हैं, तो दबाव मतलब क्या, बलदायक निपात। गांधी जी को बच्चे बच्चे तक जानते हैं, बच्चे बच्चे तक जानते हैं, तो तक जो है किस प्रकार का निपात है सर, बलदायक निपात। गांधी जी को बच्चे बच्चे तक जानते हैं, क्लियर है ना। राधा ने कृष्ण के लिए हद कर दी, राधा ने कृष्ण के लिए हद कर दी, मतलब दबाव दिया जा रहा है,
तो कौन सा निपात होगा? बलदायक निपात। कौन सा निपात? बलदायक निपात, ठीक है ना। यह विद्यालय केवल कन्याओं के लिए केवल पर बल दे रहे हैं, तो किस प्रकार का निपात है? बलदायक निपात है। यहाँ सिर्फ पुरुष की एंट्री होगी, सिर्फ पुरुष बल दे रहे हैं तो बलदायक निपात, क्लियर है ना, बलदायक निपात क्लियर। स्वीकृति बोधक निपात या तो हाँ आएगा, या तो हाँ जी आएगा, या तो जी हाँ आएगा, क्लियर है ना। स्वीकृति बोधक निपात, जैसे आप स्वीकृति बोधक निपात में देखेंगे, स्वीकृति बोधक निपात में आप देखेंगे तो लिखेंगे जैसे जी हाँ, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ मेरी गलती है। तो जी हाँ जो है स्वीकार रहे हैं, किसी चीज को स्वीकार रहे हैं, तो वहां पर कौन सा निपात होगा? स्वीकार बोधक निपात, यानी कि ऑप्शन यहाँ नहीं कि दूसरा भी, क्लियर, स्वीकार, ठीक है ना। हाँ जी हम कल आएंगे, हाँ जी स्वीकार रहे हैं, हाँ जी हम भूल गए, तो इस प्रकार का कौन सा निपात है? स्वीकृति बोधक निपात। सबसे ज्यादा आप कौन सा निपात प्रयोग करते हैं? स्वीकृति बोधक, हाँ जी आएंगे, नहीं आएंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो कौन सा निपात? स्वीकृति। नकार बोधक में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, नकार का मतलब नहीं, नहीं आएगा, जी नहीं, नहीं नहीं, क्लियर है ना। जैसे जैसे यह मेरी पुस्तक नहीं है, नहीं, हमने क्लियर कर दिया, यह मेरी पुस्तक नहीं है, तो यह कैसा है? नकार बोधक। नकार मतलब नकार दे रहे हैं, नहीं मेरी नहीं है। जैसे जी नहीं वहां आप नहीं, जैसे जी नहीं वहां नहीं जाना, तो इस प्रकार से जी नहीं चाहे नहीं आए तो कौन सा निपात होगा? नकार बोधक। देखिए फटाफट क्लियर हो रहा है कि नहीं, फटाफट क्लियर हो रहा है, कौन सा नकार बोधक। या देखिए तक कैसा है? बलदायक। जैसे आपने बात तक नहीं की, आपने मेरे तरफ देखा तक नहीं, उसने आपके मुंह पर थूका तक नहीं, तो कैसा है? बलदायक निपात, क्लियर है। आपके तरफ देखा तक नहीं और बन रहे उसके लिए पागल, तो कौन सा निपात? बलदायक। 1, 2, 3, क्लियर। निषेधात्मक निपात, निषेध बोधक निपात। निषेध का मतलब होता है मत करना, कई बार बता चुके हैं, निषेध बोधक मतलब मत, जैसे धूम्रपान मत करिए, निषेध है, धूम्रपान मत करिए, निषेध है, रोड के दाएं साइड मत चलिए, मत का आया तो कैसा है? निषेध है। भीड़ मत लगाइए, मत का मतलब क्या है? निषेध, मतलब रोका जा रहा है, मतलब रोका जाने का प्रयोग जहां पर हो वहां पर कौन सा निपात? निषेधात्मक निपात। प्रश्न बोधक एकदम आसान है, प्रश्न बोधक में बाबू क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होगा, और इसमें कब क्यों कैसे क्या आएगा, कब क्यों कैसे क्यों नहीं क्या ऐसे आएंगे, जैसे क्या उसने खाना खाया, तो क्या आया? क्लियर, क्या आया? तो प्रश्नवाचक निपात, क्लियर है ना, प्रश्नवाचक निपात। सब तो क्लियर हो रहा है भाई, सब तो क्लियर हो रहा है, तो कैसा निपात है? प्रश्नवाचक निपात, ठीक है ना। क्या मेरे लिए वह आएगा, तो प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो किस प्रकार का निपात है? प्रश्नवाचक निपात। कैसा निपात है? प्रश्नवाचक निपात, क्लियर, प्रश्नवाचक निपात। अगला है विस्म्याधि बोधक निपात, एकदम याद रखिएगा, विस्म्याधि बोधक क्या है? विस्म्याधि बोधक निपात। विस्म्याधि बोधक निपात में आता है काश, क्या आता है? काश। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, कई बार मैंने इसको बता दिया आपको बाबू, कई बार बता दिए हैं, विस्म्याधि बोधक में हमेशा यह वाला चिन्ह प्रयोग होगा, यह वाला, इसे बोलते हैं विस्म्याधि बोधक चिन्ह, या इसे बोलते हैं संबोधक चिन्ह। इसमें काश आएगा ऐसे चिन्ह के साथ, अरे आएगा ऐसे चिन्ह के साथ, ओह आएगा ऐसे चिन्ह के साथ, हे आएगा ऐसे चिन्ह के साथ, छी देखेंगे छी ऐसे आएगा ऐसे चिन्ह के साथ, तो जब भी इस प्रकार का चिन्ह वहां पर आए तो वहां पर निपात कौन होगा? विस्म्याधि बोधक निपात। क्या होगा? विस्म्याधि बोधक निपात। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं और वहां पर एक बैल सड़ा हुआ है, ध्यान से समझिए, रोड पर जा रहे हैं और एक बैल सड़ा हुआ है, भौर दही ओकरे कीड़ा मकोड़ा लगे हैं, कुत्ता उसका अंदर का लीवर खा रहा है, कौआ ओकर आँख निकाल के खूब बढ़िया से खा रहा है, चुभला चुभला के खा रहा है, और उसका देख पूरा सड़ गया है, दुनिया भर के कीड़े हैं, तो अब देख कर क्या करेंगे? छी। तो जो छी करेंगे वह किस प्रकार का निपात है? तो क्या है? विस्म्याधि बोधक निपात है, विस्म्याधि बोधक निपात है। खाने के समय मत याद रखिएगा बात, ठीक है ना। जैसे काश आप हमारे होते, काश आप हमारे होते,
आप हमारे होते। तो इस प्रकार में कौन सा निपात है, कौन सा, विस्मयादि बोधक, काश वह आ जाता। तो किस प्रकार का निपात होता, विस्मयादि बोधक। या देखिए बाबू, देखिए देखिए क्या है, तुलना बोधक निपात, तुलना बोधक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुलना बोधक। तुलना बोधक में एक ही चीज आता है, सा, क्या आएगा, सा। देखिए तुलना बोधक निपात में क्या आता है, सा। जैसे जैसे मन मन दीप सा जल रहा, मन दीप सा जल रहा। तो देखिए मन की तुलना हम किससे कर रहे हैं, दीपा से, दीप मतलब दिया से कर रहे हैं मन की तुलना। दीप सा, सा का मतलब जब भी आता, सा का मतलब तुलना होता है, सा का मतलब तुलना। जैसे तुमसा तो देखा है, तुमसा नहीं देखा है, तुमसा मतलब तुहरे से तुलना हो रहा है, ठीक है ना। चंद्रमा सा, तो चंद्रमा सा तुलना, ठीक है ना। चंद्रशा मुख, चंद्रशा मुख, तो चंद्र सा, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा की तुलना मुहे से हो रहा है, है ना। चंद्रमा की तुलना मुहे से हो रहा, तो शाह आए तो वहां पर कैसा निपात होगा, तुलना बोधक निपात है। सब हो गया है भाई, बस नाम में परिवर्तन है, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता है। अवधारणा बोधक निपात बड़ा इंपॉर्टेंट है, अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, बोधक निपात, अवधारणा कंसेप्चुअल निपात किसे कहते हैं, अवधारणा बोधक निपात। अवधारणा बोधक निपात में या तो ठीक आएगा, या तो तकरीबन आएगा, या तो तकरीबन आएगा, या तो आएगा लगभग, या तो आएगा लगभग। तो इन सब प्रकार का जो निपात आता है वहां पर कौन सा निपात होता है, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक, ठीक है ना, अवधारणा बोधक, ठीक है। जैसे लगभग दो किलो अनाज दो, या लगभग कुछ सामान दो, लगभग वह आएगा, लगभग वह गया है, लगभग। इस प्रकार के जो लगभग का प्रयोग है, तकरीबन, तकरीबन 3:30 बजे, तकरीबन 2:30 बजे, तकरीबन 2 बजे, दरअसल, दरअसल भी इसी में आता है, कहाँ पर, अवधारणा में, दरअसल, तो दरअसल आज आएगा, दरअसल ऐसे बोलते हैं ना, दरअसल 2 बजे तक आने के लिए बोला था, तो दरअसल लगभग ठीक ठाक होगा, लगभग वह दूर है, लगभग वह बात कर रहा होगा। तो इस प्रकार का जो निपात है वह होता है अवधारणा बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात। लास्ट है आदर बोधक निपात, लास्ट क्या है, आदर बोधक निपात, आदर बोधक निपात। जैसे आदर, आदर देने आएगा ना भाई, आदर देने के लिए क्या करेंगे, आदर देने के लिए, जैसे आदर बोधक निपात में क्या आता है, एक चीज आएगा आदर देने के लिए, हम क्या करेंगे, जी, क्या प्रयोग करेंगे, जी। जैसे हम लिखें पिता नमस्कार, पिता नमस्कार, अगर हम ऐसे लिखें पिता नमस्कार, तो कोनो खतरनाक पिता होगा तो लगेगा लतियाने तुरंत कि ई कौन तरीका है रे, तुर नमस्ते कह ले, पिता नमस्कार, कोनो तरीका है, बोलिए पिता नमस्कार। कोई ऐसा बाप होगा खतरनाक, बाहुबली वाला, कटप्पा वाला, तो पटक के मारेगा वहीं पे, कि बोलना है तो दादा नमस्ते कह दे, ये कौन तरीका, पिता नमस्कार। तो इसमें निपात लगा, निपात लगा मतलब क्या, पिताजी नमस्कार। अब देखिए थोड़ा सा हमने भाव बढ़ा दिया, पिताजी नमस्कार, यह जी क्या है, निपात है, कैसा निपात है, आदर देने के लिए जी प्रयोग कर रहे हैं। यहां भी जी प्रयोग होता है, हाँ जी खाना खा लेंगे, स्वीकार बोधक निपात, लेकिन यहां पर आदर देने के लिए पिताजी नमस्कार, पिताजी नमस्कार। माता जी को प्रणाम, माता जी को प्रणाम, माता को प्रणाम, माता को प्रणाम, नहीं मजा आ रहा है, सही से लिखे माता जी को प्रणाम, थोड़ा भावता बन जा रहा माई के, है ना। मामा को प्रणाम, मामा नमस्कार, मामा राम राम, मामा जी नमस्ते, गजब भाव बन रहा है मामा का, है ना, बोलो हाँ कि ना। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा निपात आपका निपट गया, इस प्रकार से पूरा का पूरा निपात आपका निपात निपट गया। और निपात 9 प्रकार के, 9 से निपात, 9 से निपट, और 9 से निपात, 9 से निपट, और निपट गया 9 प्रकार के, क्लियर। तो 9 प्रकार के निपात है बाबू, आपसे बस एक ही प्रश्न, इसका काम क्या होता है, बल प्रदान करना, एक वाक्य लिख देगा, एक वाक्य लिख देगा। जैसे मान लीजिए लिख दिया, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ क्या पूछा है, देखिए आपके पेपर में आया है, एक मिनट थोड़ा सा वेट करिए, एक क्वेश्चन में लिख कर, हाँ जैसे देखिए, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, आज रात राम को रुकना ही पड़ेगा, आज रात राम को रुकना ही पड़ेगा, गांधी जी को
बच्चे तक जानते हैं, बच्चे तक जानते हैं। तो आप देखिए कहेगा निम्नलिखित वाक्य में, पूरा वाक्य है, कहां पर निपात है? तो कहेंगे सर निपात कौन है ही, निपात क्या बता देंगे, निपात कौन है ही। फिर पूछे गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, या जी मत लिख दीजिएगा, गांधी जी इनका नाम है, गांधी जी आदर सूचक जी लगाए हैं, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो तक का मतलब क्या है, निपात है। अगर पूछे कौन सा निपात, तो ही का प्रयोग हम बल देने के लिए करते हैं, बलदायक, तक का भी प्रयोग हम बल देने के लिए करते हैं, तो बलदायक निपात है। आई थिंक निपात का कॉन्सेप्ट क्लियर, निपात का कॉन्सेप्ट क्लियर। और अगर निपात का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आप क्या करेंगे, एक लाइक करेंगे और कम से कम दो तीन लोगों को भेजेंगे, क्योंकि चैनल बड़ा करना है भैया। चलो धन्यवाद।